श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो आपका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन ट्रांजिशन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, इस टॉपिक के अंदर अपन जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके चुंबकीय गुण हैं, वो आपके अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के ये पढ़ने वाले हैं। देखिए, अपन ने इससे पहले आपका जो प्रीवियस वीडियोस थे अपन ने उसमें अपन ने बात की थी कि यहाँ पर अपन ने जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हैं उससे रिलेटेड अपन ने यहाँ पर बात की थी। आज अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के लिए। देखिए, जैसा अपन ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के लिए देखी थी, वैसा का वैसा ही आपको जो फॉर्मेशन कह दें या जो अपनी व्याख्या कह दें वो है, जनरली आपको इसमें वैसी की वैसी देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज है इन दोनों के अंदर। और माइनर सा चेंज कहाँ है, माइनर सा चेंज है एक तो इनकी जो आपके बात करें CFSE एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, जहाँ पर अपन ने मान देखा था कि जो एनर्जी अपन ने ऑक्टाहेड्रल के लिए बात की थी, जब कि अगर हमने ये ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर देख रहे हैं तो आपका जो लास्ट वाला 0.4 आपका वहाँ यहाँ पर अपन ने जो लिखा है डेल्टा टी, वहाँ पर डेल्टा जीरो एन लिख के, और फिर माइनस वाला ये उस तरफ अपन ने ये क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो अब अपन देख रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो इसके लिए जो CFSE एनर्जी है उसका मान आपको ये देखने को मिलता है। और साथ में क्या बताया गया है कि यहाँ पर जब डी ऑर्बिटल्स का यहाँ पर अपन को कह देंगे, उनमें स्प्लिटिंग होती है, उनमें विपाटन होता है, तो यहाँ पर देखिए दो तरह का फॉर्मेशन अपने को वहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी देख रहे थे, और एक अपने इनमें भी इसी तरह का आपकी स्प्लिटिंग है वो देखने को मिलेंगी। जनरली यहाँ पर अपन ने जब इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा था अपन ने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, अब अपन ने कहा था कि जनरली यहाँ पर जो ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, तो स्प्लिटिंग होते ही जो ऑर्बिटल हैं जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए थे उनके जस्ट विपरीत यहाँ पर फॉर्मेशन है वो स्प्लिटिंग के अंदर देखने को मिलता है। अब ये स्प्लिटिंग फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा था, तो अपन उसकी यहाँ पर बात करें, तो देखिए यहाँ पर अपन ने ऑक्टाहेड्रल के लिए ईजी रखा था, नीचे T2G रखा था, अब ये जस्ट विपरीत हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपका ये अब T2 के नाम से क्या जाना जाएगा, ये तीन ऑर्बिटल उसके नाम से जाने जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि आपका ये जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स है जो ऑक्टाहेड्रल के लिए ईजी था, अब यहाँ पर ई के नाम से इसको अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए अपन जो ये डी ऑर्बिटल के अंदर जो स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं, और स्प्लिटिंग इस तरह से हो गई, अब यहाँ पर अपने को एक्सप्लेनेशन क्या करना है, तो यहाँ पर मेनली आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो देखना है इसके अंदर कि किस तरह से जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर विन्यास देखने को मिलता है आपके इसमें ट्रांजिशन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, और फिर साथ में देखेंगे कि इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह से शो की जाएंगी। जनरली यहाँ पर आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, एक तो इनके अंदर किस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जिस हिसाब से हुआ है उसके आधार पर अपन उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी अपन यहाँ पर क्या करेंगे, साथ में उसकी जो जनरल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है उसका भी यहाँ पर अपने एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर D1 व D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। D1 और D2 जो आपका बात करें कॉन्फ़िगरेशन है कि जिसमें आपकी बात करें यहाँ पर आपका D1 और D2 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है, तो फर्स्ट यहाँ पर अपने बात करें D1 के लिए, तो क्या बताया गया कि D1 के लिए आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर व्यवस्थित है, तो ये आपको पता है पहले से कि अब आपका जो
ई ऑर्बिटल होगा, ये आपका जनरली लोअर एनर्जी वाला होगा, कम ऊर्जा वाला होगा, और ये वाला आपके हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा। तो वही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आकर क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आपका चला आता है। अब यहाँ पर अपन बात करें कि जनरली अगर D1 के लिए इस तरह का अगर विन्यास है तो इसमें जो इसका अपन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से दिखाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस में आया है, आपकी EG ऑर्बिटल में। तो अपन क्या करेंगे, इसका जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो EG1 T2 0 या अपने इस तरह से एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ये एक्सप्लेनेशन अपने को क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई है, उस स्प्लिटिंग के अंदर जो आपका लोअर एनर्जी वाला कोई ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आकर क्या होगा, व्यवस्थित होगा, या एक इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी स्थिति पर हो सकता है, किसी भी स्थिति का मतलब क्या है कि ये जनरली यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है, बस ध्यान रखना है ये किस तरह का होना चाहिए, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में आना चाहिए। अब यहाँ पर बात करें कि अपन ने पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिया है कि इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन आकर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट इसमें इस तरह से होता है तो अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन इसके लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके लिए कि इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण है वो किस तरह से उत्पन्न किया जाता है। तो चुंबकीय आघूर्ण की बात करें अपन यहाँ पर, तो 1 1 प्लस 2, तो अपन इसको अंडर रूट इस तरह से कर सकते हैं, या सीधा मान लिख दिया अपन कि यहाँ पर 1.73 जो BM मान है वो इसके लिए प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो बात कर दी कि भाई जो अपने पास पदार्थ है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और उसका चुंबकीय आघूर्ण इस तरह से हो सकता है। चुंबकीय आघूर्ण का मान इस तरह से प्राप्त हुआ कि भाई ये इस तरह से है, तो अपन यूँ कह सकते हैं इसके द्वारा कोई ना कोई चुंबकीय प्रॉपर्टी भी शो की जाएगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो जनरली ये क्या करेगा, आपके पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है उसकी तरह क्या करेगा, ये व्यवहार करेगा, मतलब इस पदार्थ की जो प्रकृति है, इस D1 के द्वारा जो ऑर्बिटल फॉर्मेशन किया जाएगा, किसी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा या कोई भी आपके यौगिक बनाया जाएगा, उस यौगिक के अंदर आपको अनुचुंबक के गुण देखने को मिलेंगे, मतलब वो पदार्थ किस तरह व्यवहार करेगा, अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करेगा, और ये इसका पैरामैग्नेटिज्म कहलाता है, अनुचुंबकत्व कहलाता है, और फर्स्ट इसमें D1 के लिए इस तरह से शो किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर मान लो आपका क्या व्यवस्थित हो, D2 विन्यास हो, तो D2 विन्यास होगा तो यहाँ पर अपन बात करें तो ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, एक डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर हो जाता है, इस कंडीशन में अपन बात करें तो यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड कंडीशन के अंदर है, ध्यान रखना है कभी भी इस व्यवस्था के अंदर नहीं है आएगा, क्योंकि जनरली इलेक्ट्रॉन पे अपने को पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा ये उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो जनरली यही होता है कि अगर यहाँ पर ऑर्बिटल अगर उपस्थित होता है तो जनरली इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर जाकर व्यवस्थित होता है। जैसे ही इस स्थिति में आता है तो अपन यहाँ पर बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर आता है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवस्थित हुआ, अनपेयर्ड कंडीशन के अंदर है, तो इसके द्वारा किस तरह की नेचर शो की जाएगी कि अपना जो पदार्थ है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। साथ में यहाँ पर बात करें इसके चुंबकीय आघूर्ण के लिए, तो यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने चुंबकीय आघूर्ण की यहाँ पर बात करें तो लगभग इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है 2.83 bm है, वो इसके लिए प्राप्त होता है। मतलब अपने पास जो D2 है, D2 के लिए आपका जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान इतना प्राप्त होता है। जनरली यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो आपका मटेरियल किस तरह से होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा। जनरली उसके द्वारा इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो शो किया जाता है। जनरली इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में क्या होगा, व्यवस्थित होगा, निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है वो भरा जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं कि अगर यही आपके विन्यास अपन किसके लिए बात करें, जो नेक्स्ट है अपने D3, D4, D5 और नेक्स्ट आपका D6। तो यहाँ पर अपन बात करें और आपके D3, D4, D5 और D6 एंड D7 कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपन यहाँ पर बात करें तो जनरली आपको यहाँ पर दो तरह की कंडीशन मिलेंगी। फर्स्ट कंडीशन आपको इस तरह से मिल सकती है कि यहाँ पर आपको जो लिगेंड है वो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, किस तरह से उपस्थित हो, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पर उपस्थित हो। दूसरे यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर आपका वीक फील्ड लिगेंड उपस्थित हो। अब देखिए अपन ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो बातें कही थी वही सेम टू सेम यहाँ पर लागू होती हैं। अपन ने वहाँ पर बात की थी अगर आपका लिगेंड या आपका इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ हो, आपका सेंट्रल एटम इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर पेयरिंग की जाएगी, यहाँ पर युग्मन किया जाएगा। साथ में बात करें अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर रहा है, युग्मन कर रहा है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी कि इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के अंदर चक्रण होगा, जनरली लो स्पिन मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। यानी निम्न चक्रण है वो जनरली इसके अंदर आपको ये शो किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसी कंडीशन में है, आपकी अनपेयर्ड कंडीशन में होंगे। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इनमें डिस्ट्रीब्यूट होने के फलस्वरूप अब नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल के अंदर आपके माइग्रेट करेगा, उसमें चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो उपस्थित नहीं है, जनरली वीक ही है। तो वीक के फलस्वरूप क्या है कि जनरली जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि पहले निम्न ऊर्जा वाले और फिर उच्च ऊर्जा वाले जो ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड कंडीशन है, अयुग्मित अवस्था में हैं। साथ में दूसरी बात आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आपको जो हाई स्पिन मोमेंटम है वो इसमें देखने को मिलता है, उच्च चक्रण है वो इसमें देखने को मिलेगा। तो मतलब आपको दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि यदि अपन D3, D4, D5, D6 और D7 का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं डी ऑर्बिटल्स के थ्रू, तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड दोनों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि इस तरह से इसमें ये उपस्थित है या नहीं है। जनरली अपन एक दो के लिए अपन देखते हैं और नेक्स्ट का अपन जो अपना अगला वीडियो आएगा अपन उसमें इससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात करें तो आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। फर्स्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं यहाँ पर आपका किस तरह का फील्ड उपस्थित है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपका उपस्थित है। तो अपने जनरली इस तरह से दिखा दें, ये आपका ऑर्बिटल हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन आकर क्या होगा इस ऑर्बिटल के अंदर, आपके इस ऑर्बिटल में व्यवस्थित हो जाएगा। यहाँ पर अपन बात करें इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D3 के लिए, तो दो तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके D3, D4, D5, D6 के लिए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपन बात करें E3, T2, 0, ये आपको जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसकी प्रेजेंस के अंदर आपको इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं अगर यहाँ पर जो D3 है वो किस तरह से हो, वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पर T2 ये आपका इजी है ई वाला, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर व्यवस्थित हो जाता है। अब क्या बताया गया है कि जनरली इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुआ, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन E2 T2 1, तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस के अंदर E3 T2 0 और वीक फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में D3 E2 T2 1, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। जनरली यहाँ पर जो लो यहाँ पर जो स्पिन देखने को मिलती है आपकी लो स्पिन है, यहाँ पर आपका जो हाई स्पिन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर आपके व्यवस्थित हो जाता है। अब देखिए अपन ने ये दो बात तो कर ली D3 के लिए कि भी इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें इस तरह से ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होगा। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा या अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो किस तरह से होगी, और नेक्स्ट इसके लिए भी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर्ड है, तो मतलब क्या है कि इसके द्वारा कुछ ना कुछ मात्रा के अंदर पैरामैग्नेटिक जो मोमेंटम है वो शो किया जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह क्या करेगा
बिहेव करेगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन है इस कंडीशन के कारण, मतलब इसके द्वारा आपका कोई ना कोई चुंबकीय आघूर्ण है वो जनरली इसमें शो किया जाता है, जो अपन ने पहले भी निकाल रखा है। यानी अपन यहाँ कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर प्रेजेंस है तो उसमें D1 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और D3 का, दोनों में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक तरह का शो किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरी, इस कंडीशन में अपन बात करें तो सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो अपन यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पैरामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, यहाँ पर इसकी तुलना में क्या है, मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पर इसकी तुलना में ज़्यादा इसमें पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय जो गुण है वो आपको देखने को मिलते हैं। और साथ में क्या बताया गया है कि इसके द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण है वो भी क्या है, आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लगभग आपको 3.83 bm है मान इसके, लगभग इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके द्वारा क्या है कि दोनों ही जो इनके द्वारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किए जाएंगे आपके पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाले होंगे। जनरली यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जनरली लो स्पिन होगी। अगर आपका वीक फील्ड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि भी एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको हाई स्पिन है वो देखने को मिलेगी और इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाएगा और दोनों ही कंपाउंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं शो करेंगे। तो ये था आपके D1, D2 और D3 के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके आधार पर अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। तो स्टूडेंट होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।